हाँ, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम एज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोस ऑक्सीलेटर। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है वो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, ठीक है, और वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है सिंपल पेंडुलम, और क्या कंडीशन है जिसमें सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सो हेयर आई हैव बीन गिवन अ सिंपल पेंडुलम। अब देखिए ये सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीलेशन में हम लोग किसी एक पार्टिकुलर इंस्टांस ऑफ टाइम को कंसिडर करते हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब ये राइट साइड पे गया है एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो लेट्स एज्यूम कि हाँ ये पॉइंट पे हम लोग एक जो है वो इंस्टांस कंसिडर करते हैं। जस्ट समझिए कि एक हम लोगों ने तस्वीर ले लिया, एक फोटोग्राफ ले लिया एक्सट्रीम राइट पर, एंड येस दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, जो जो राइट मोस्ट पॉइंट था वहाँ पे हम लोगों ने एक इंस्टांस कंसिडर किया इस पेंडुलम का एट अ पार्टिकुलर टाइम टी। ये किसी भी टाइम टी पर हो सकता है, आप कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये एक जनरल टाइम है, ठीक है, ये जनरल टाइम है, ये किसी भी टाइम पर आप कंसिडर कर सकते हैं। टी इज़ एनी जनरल टाइम। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये इसका पाथ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पेंडुलम, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पेंडुलम। यही ट्रेजेक्ट्री को वो फॉलो कर रहा है। देखिए राइट साइड में जो ये ऑक्सीलेट कर रहा है, इट हैज़ फॉलोड दिस वेरी पार्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री, और ये अब राइट साइड की तरफ जा रहा था, है ना, यहाँ इस पोजिशन पर, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला पोजिशन है किसी भी टाइम टी पर, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये ग्रीन लाइन को, यानी ग्रीन लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सक्यूज मी, तो ग्रीन लाइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही ग्रीन लाइन जो है वो एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, ओके। और अब हम लोग मानते हैं कि इस पेंडुलम का जो मीन पोजिशन, ये जो मीन पोजिशन है वहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स है। तो मीन पोजिशन से ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर हम लोग डिफाइन करें पेंडुलम की, तो क्या होगी, इट विल बी डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ टी। किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर जब उसकी वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो दैट विल बी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ओके। ये तो कैलकुलस से सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो मेरे कैलकुलस क्लास जो है वो जरूर अटेंड कीजिए, ओके। सो ये ट्रेजेक्ट्री हो गया एक्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज हम लोग को पता है कि जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइम टी कंसिडर कर रहे हैं और वहाँ से थोड़ा सा टाइम टी को चेंज कर देते हैं डी टी में, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, डी ऑफ वी से चेंज कर जाएगा। और एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, सो दैट इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो पेंडुलम का लेंथ है वो एल है, ठीक है, तो जो यहाँ पर लेंथ होगा वही यहाँ पर भी लेंथ होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफ़ी स्मॉल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफ़ी स्मॉल है, और ये जो है वो थीटा है, ओके। अब ये बात याद रखना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इट विल रिमेन सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और ये जो है वो टेंशन है, किसका टेंशन है, स्ट्रिंग का, क्योंकि पेंडुलम जो है वो स्ट्रिंग से लगा हुआ है, तो डैट विल बी, तो डैट विल बी माई, यस दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ये मेरा टेंशन टी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एफ बी डी, हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के, हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फोर्स जो है काम कर रहा है पेंडुलम में। तो पहला जो फोर्स काम कर रहा है, अभी हम लोगों ने देखा जो पहला फोर्स पेंडुलम पे काम कर रहा है वो है मेरा टेंशन टी, पहला फोर्स है वो टेंशन टी हो गया। दूसरा फोर्स जो मेरा काम कर रहा है वो ये वाइट वाला है, ठीक है, वाइट वाला डाउनवर्ड, और सबको पता है कि ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड काम करता है, तो इट मस्ट बी माई एम जी, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग कंसिडर करते हैं एक लाइन, या एम जी को हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो रोटेट कर गया, एम जी क्या हुआ, वो रोटेट कर गया बाई एन एंगल थीटा, और वहाँ से हम लोग जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, विच इज़ अ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द वायर ऑफ द पेंडुलम। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वाइट वाला कंपोनेंट है ये क्या, इसका क्या फोर्स होगा। सो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो एम जी जो हो जाएगा वो डिकम्पोज हो जाएगा अलोंग अलोंग द स्ट्रिंग लाइन।
सो डैट विल बिकम एम जी टाइम कोसाइन थीटा. हमको पता है कि जिसके साथ थीटा एसोसिएटेड रहेगा तो अगर हम लोग एम जी फोर्स को रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग दिस लाइन सो इट विल बिकम एम जी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा. इतना तो सबको पता है. अब अगर हम लोग दूसरा फोर्स कंसीडर करें, अ फोर्स डैट इज टेंजेंशियल टू द पाथ टू द ट्रेजेक्ट्री पाथ. ये जो ट्रेजेक्ट्री है पेंडुलम का उसके टेंजेंशियल है ये फोर्स. ठीक है, ये फोर्स टेंजेंशियल है, लेकिन ये फोर्स जो है क्या होगा, कोई बता सकता है ये फोर्स क्या होगा? अगेन हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगाएंगे तो एम जी जो है मेरा रिजॉल्व हो जाएगा अलॉन्ग दिस लाइन. इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम लोग एम जी को लिखते हैं तो डैट शुड बी इक्वल टू एम जी टाइम्स साइन ऑफ थीटा. ये हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है. और अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अपकमिंग क्लासेस में आपको बता सकूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज क्या है. तो ये मेरा हो गया एम जी टाइम्स साइन ऑफ थीटा. तो हम लोगों ने देखा कि एम जी को हम लोग एम जी जो मेरा फोर्स है उसको हम लोगों ने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया. पहला हो गया एम जी टाइम्स कोसाइन थीटा और दूसरा हो गया एम जी टाइम्स साइन ऑफ थीटा. देखिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द फिजिक्स. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो यू मस्ट नो मैथमेटिक्स. ठीक है, देखिए कैलकुलस आ गया, यहाँ पे कैलकुलस आ गया, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज यानी वेक्टर आ गया. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन मेरा यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर. तो ये जो एक्सेलरेशन है वो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है. एंड दैट एक्सेलरेशन, अगर मैं ये ग्रीन लाइन को पॉजिटिव मान लूँ, अगर मैं ग्रीन लाइन को पॉजिटिव मान लेता हूँ तो हम लोग क्या कह लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा जो एक्सेलरेशन, मेरा जो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जो मास टाइम्स एक्सेलरेशन जो मेरा होगा विच इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी टाइम्स साइन थीटा. अब यहाँ पे ये जानना है कि माइनस ऑफ एम जी टाइम्स साइन थीटा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन लाइन जो एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव माना है. ठीक है, जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है जिधर पेंडुलम जा रहा है उसको पॉजिटिव माना है. तो ऑफकोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज एम जी टाइम्स साइन थीटा वो निगेटिव हो जाएगा बिकॉज दैट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी. सो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मेरा पॉजिटिव है और एम जी टाइम्स साइन थीटा निगेटिव है. तो अगर ये मैं मान के चलता हूँ कन्वेंशन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स यहाँ पे जो टोटल सॉरी ये जो टोटल एक्सेलरेशन मास टाइम्स एक्सेलरेशन दैट इज टोटल फोर्स जो है जो वाइट लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी टाइम्स साइन थीटा. ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ एम जी टाइम्स साइन थीटा. क्यों माइनस साइन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको कन्वेंशनली ही इसको निगेटिव किया है. एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव होगा. तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल हम लोग यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. तो हम लोग जब भी लगाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो दैट वी अप्लाई ऑन टू द पार्टिकुलर लाइन. यहाँ पे वो लाइन देखिए ये वाला है, वाइट वाला और ग्रीन वाला लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टोटल जो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस. तो टोटल फोर्स जो है इस लाइन पे कौन सा काम कर रहा है, दैट इज ओनली एम जी टाइम्स साइन थीटा, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में. तो वो हम लोगों ने लिख दिया. उसी तरह से अब हम लोग कह देंगे कि टेंशन अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन along this direction, string के direction में लगा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि tension must be equal to mg times cosine theta, क्योंकि यहाँ पे acceleration along the vertical direction, ये जो string का direction है वहाँ पे acceleration zero हो रहा है ना. हाँ, तो tension मेरा कितना होना चाहिए, mg times sine of theta. तो अभी tension की शायद हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं mass और mass जो है cancel out हो जाएगा. एंड डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी टाइम्स साइन थीटा. अब हम लोगों ने माना था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए थीटा जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, तो साइन ऑफ थीटा को हम लोग थीटा से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. एंड थीटा मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एक्स है. एंड रेडियस मेरा क्या है, लेंथ है. तो हम लोग कह सकते हैं थीटा मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई लेंथ. यहाँ पे चूंकि एस एच एम होने के लिए थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल. और हम लोग अभी देखेंगे साइन फंक्शन, साइन फंक्शन में ये देखते हैं कि थीटा स्मॉल होगा तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है.
तो हम लोग कह सकते हैं d2x टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डेट इज एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू माइनस जी टाइम साइन थीटा एंड डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टाइम साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे x अपॉन l से रिप्लेस कर देंगे। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स होना चाहिए। ये हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है। ये हम लोगों ने देखिए अगर आपको डेरिवेशन की वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हम लोग जो है ये इक्वेशन भी डिराइव कर सकें आपके लिए और एलेबोरेट कर सकें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क इन द कॉमेंट। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एफ माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। ये तब होता है जब एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो येलो बॉल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और ये मीन पोजीशन से किस डिस्प्लेसमेंट पर है एक्स पर है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है और हम लोग ने मान लिया कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। तो अगर ये इसकी मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है किसी भी टाइम टी पर तो ये इक्वेशन वैलिड होगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक है और ये बॉडी क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि थीटा यहाँ पे बहुत ही छोटा है एंड फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा दिस बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम। तो अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन देख लेते हैं ओमेगा, यहाँ से मेरा ओमेगा जो आ जाएगा क्या आना चाहिए देखो यहाँ पे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस ऑफ जी एक्स अपॉन एल और यहाँ पे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी टाइम्स एक्स अपॉन एल, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल एंड टाइम पीरियड क्या होता है टू ऑफ पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। सो टाइम कितना आ गया टू ऑफ पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी और यही टाइम पीरियड होता है, यही टाइम पीरियड होता है किसके लिए सिंपल अगर एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पेंडुलम अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो दिस इज द टाइम पीरियड। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा दूसरा इसका प्रूफ भी मैं देना चाहता हूँ कि अगर यही सेम चीज़ प्रूफ किया जा सकता है अगर आपको पता है मूवमेंट ऑफ किसी भी जनरल बॉडी के लिए किसी भी फिजिकल पेंडुलम के लिए यानी जनरल बॉडी है वो एस एच एम एग्जीक्यूट कर रहा है जिसको हम लोग फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल टॉर्क वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अगर आपको वो चीज़ जानना है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हम लोग जो है फर्दर आपके लिए ये बना सकें इस तरह का कॉन्टेंट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाई लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच। यस वन इन्फॉर्मेशन दैट हम लोग पूरा कोर्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप आखिरी तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये पसंद आया है तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा कोर्स जो है इस एनिमेटेड फॉर्म में लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हम लोग फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स का जनरल स्टडीज़ का कम्प्लीट कोर्स इस तरह का लॉन्च कर सकें। थैंक यू वेरी मच।